स्वरोजगार के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए अब लाला लाजपत पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार की ओर से जिले में सुअर फार्म पालन परीक्षण चलाया जा रहा है। इसमें प्रशिक्षित युवाओं को ट्रेनिंग के दौरान फार्मी सुअर के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रोफेसर देखा दाहिया के बताया कि 7 दिवसीय प्रशिक्षण सेंटर चलाया जाएगा जिसमें युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसमें डेयरी अथवा पशुपालन से जुड़े रोजगार के बारे में जानकारी वितरण की जाएगी ताकि वो स्वयं का रोजगार कर सके। पशु विज्ञान केंद्र पलवल जो कि लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का केंद्र है, इसके द्वारा सुअर पालन प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है जो कि हुड्डा सेक्टर 2 के सामुदायिक भवन नज़दीक टैगोर पब्लिक स्कूल में लगाया जाएगा। यह 26 नवंबर से शुरू हो रहा है। 7 दिन का प्रशिक्षण है। इसमें हम पशुओं की कौन सी, खासकर सुअर की कौन सी हमें नस्ल रखनी चाहिए कि जो मीट ज़्यादा दे सके, उसका रख रखाव, उनके छोटे जो बच्चे उनका और पशु जब ब्याता है उसके टाइम पे कैसे रख रखाव करना है, उसका चारा या दाना प्रबंधन, बीमारी से कैसे बचाव हम कर सकते हैं, इस पे विस्तृत जानकारी हम इस ट्रेनिंग में देंगे। मैडम, ये जो प्रशिक्षण जो केंद्र आप लगाने जा रहे हैं 7 दिन का बता रहे हैं, इसमें जो सुअर पालन को लेकर इसमें सारी ट्रेनिंग दी जाएगी, तो इसमें सरकार की तरफ से कोई नीति बनाई गई है या ये स्वरोजगार के तहत इसको लागू किया जा रहा है? देखिए सर, सरकार की खुद की भी नीति है, जैसे हरियाणा पशुपालन विभाग, उन्होंने 2019 से 20 के बीच में 100 पिग फार्म्स खोलने हैं। एक तो उसको भी बढ़ावा देना है, प्लस में इस ट्रेनिंग के द्वारा आप स्वरोजगार भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो सुअर का जो मीट है वो इजीली अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन इसकी डिमांड बहुत है दिल्ली और खासकर असम साइड। तो अब इसकी तरफ लोगों का जो रुझान है वो बढ़ रहा है, खासकर हमारे पलवल एरिया में। तो इसी को सोच के हमने इस ट्रेनिंग का प्लान किया है कि लोगों को जानकारी दें। मैडम, इसमें कोई उम्र सीमा भी तय की गई है कि कोई भी इसमें आके भाग ले सकता है, जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं इसमें? उम्र सीमा 18 से 55 साल। और इसके साथ साथ क्या बैंकों का भी इसमें कोई हस्तक्षेप है, जैसे कि लोन की सुविधा दी जाती है जिन लोगों के पास अपना पास पैसा नहीं है, वो सरकार के माध्यम से अगर लोन लेकर शुरुआत करना चाहे तो ऐसा भी प्रोसीजर है आपके यहाँ? देखिए, मेरा वैसे बैंक से कोई लिंक नहीं है। हमारा यूनिवर्सिटी का मेन काम ये है कि हमें अवेयरनेस देना, जागरूक करना लोगों को, लेकिन जब आप बैंक से लोन लेने जाएंगे तो वो ट्रेनिंग जरूर मांगता है। तो इस ट्रेनिंग के द्वारा कम से कम वो जो प्रशिक्षणार्थी है वो लोन ले सकता है, वो हिचकेंगे नहीं फिर लोन देने में आपको। तो 7 दिन की जो ट्रेनिंग चली जाएगी, तो उसमें क्या व्यक्तिगत रूप से किसी, जैसे आसपास फार्म हाउस बने हुए हैं आपके पलवल जिले में, क्या वहाँ जाकर भी इनको समझाया जाएगा, उनको बताया जाएगा सब कुछ इस बारे में? बिल्कुल, 1 दिन का हमारा पिग फार्म का एक्सपोजर विजिट होगा जिसमें आप जान सकेंगे कि हमें कौन सी नस्ल रखनी चाहिए, कितना उसका रहने का स्थान होना चाहिए, कितनी उसके छत की ऊंचाई होनी चाहिए, कहाँ से आप एनिमल्स रख सकते, ले सकते हैं, इन सब की जानकारी उस विजिट से मिल जाती है। मैडम, पलवल जिले में अब तक कितने लोग इस काम में कर रहे हैं इस काम को? मैंने अभी तक कम से कम 7-8 पिग फार्म्स विजिट किए जो अच्छे लेवल पे अर्न कर रहे हैं और अच्छा पशुपालन वो कर रहे हैं, सुअर पालन। एक आमदनी का क्या जरिया है, क्या लगता है इसमें कि अगर वार्षिक आय अगर देखी जाए तो क्या निकल कर आती है इसमें? ऑन एन एवरेज जो मुझे फार्मर से पता चला है 2 से 2.5 लाख वो कमा लेता है 1 वर्ष के अंदर। तो जो युवा पीढ़ी है जो काफी बेरोजगार लोग हैं, तो उनके लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूंगी जो बेरोजगार हैं और कम लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं, जिन पे भूमि नहीं है, वो इसे अपनाएं। और ट्रेनिंग के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए जी इसमें आपके लिए? हमारी तरफ से देखिए पढ़ाई का तो कोई वो नहीं है कि कम पढ़ा लिखा भी आ सकता है इसके लिए, और 10वीं वाला हो तो बेटर है क्योंकि वो थोड़ा सा लिख भी सकता है, अच्छी तरह समझ भी सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई एजुकेशन बार नहीं है। तो फीस वगैरह भी रखी है जी इसमें? यूनिवर्सिटी ने फीस रखी हुई है 500 रुपीज। रिपोर्ट बाय प्रवीण आहूजा, समाचार इंडिया न्यूज़, पलवल।